दिन लड़की और लड़का मोहब्बत में गिरफ्तार। मामा ने भी यही कहना, तू अपनी मर्जियां की तो फिर भुगत। लव मैरिज के 5 बरस बाद क्या बीवी को किसी और से हो गया प्यार? कहती मैंने तुझे जलील करना। क्या वाकई मोहब्बत करने वाले शौहर ने 2 बच्चों की माँ को ज़िबाह कर दिया? हर तरफ यहाँ पे खून ही खून था और उसका जो गला है वो कटा हुआ था। कैसे एक रॉन्ग कॉल ने हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया? अब मैं वहाँ जेल में मरूंगा, तू कब्र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है और इंसान मुकम्मल ही उस वक्त होता है जब उसे किसी से मोहब्बत होती है। हर इंसान का ये बुनियादी हक है कि उसको जिससे मोहब्बत हो उसको अपना जीवन साथी चुने, और इसका ना सिर्फ हमारा माशरा, हमारा मज़हब तो एटलीस्ट इसकी ज़रूर इजाज़त देता है, लेकिन कभी कभार मोहब्बत में किए हुए फ़ैसले या मोहब्बत के लिए मुंतखब किया हुआ साथी आपके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। आज का भी इंकशाफ देखेंगे तो आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा बात की है कि ये जो शादी वाला जो फैक्टर होता है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, रिश्तेदारों में शादी हो, गैरों में शादी हो, नतीजा क्या निकलता है आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, कौन सोच सकता था कि 5 बरस पहले मारिया ने जिस शख्स के साथ मोहब्बत की शादी रचाई थी 5 बरस बाद उसी के इंतकाम का निशाना बन जाएगी। ये दोनों तस्वीर एक साथ देखकर दिल कांप उठता है। एक तस्वीर में सजी संवरी दुल्हन बनी मारिया उरूसी जोड़े में है, जबकि दूसरी तस्वीर में कफन में लिपटी है। पहली और दूसरी तस्वीर के दरमियान 5 बरस का फासला है, लेकिन इन 5 बरसों में ऐसा क्या हुआ कि मोहब्बत के दावे करने वाला ये अदनान नामी नौजवान मारिया की जान के दर पे हो गया? उसे ना अपनी मोहब्बत का ख्याल आया और ना उन दोनों मासूम जानों का। क्या कसूर था इन मासूम बच्चों का? मारिया को बंद कमरे में जिस दर्दनाक तरीके से ज़िबाह किया गया उसे बयान करते हुए भी जिस्म पर लर्जा तारी हो जाए। खून से भरा ये कमरा चीख चीख कर बयान कर रहा है कि किस कदर अज़ियत देकर मारा गया मारिया को। जिसकी बाहों में दम तोड़ा मारिया ने, वो बहन कैसे भुला दे उन लम्हात को। उसको आवाज दी कि मारिया उठो जरा, उसको जब मैंने ऊपर किया तो तब तक उसकी 2 हिचकियां थी। तो वो मारिया की ये बूढ़ी माँ अपने नसीब पर मातम कर रही है और ये बीमार बूढ़ा बाप बेटी की अलमनाक मौत के बाद गोया जीते जी मर गया है। क्या वाकई मारिया के शौहर ने जान से मारा या फिर शौहर को फंसाने के लिए किसी और ने चली कोई भयानक चाल? मारिया ने जिसकी मोहब्बत में अपने खानदान को नाराज किया, क्यों 5 बरस बाद उसी से खुला का मुतालबा कर दिया? 2 बच्चों की पैदाइश के बाद मोहब्बत क्यों नफरत में बदल गई? कैसे एक रॉन्ग कॉल ने बर्बाद कर दी इस घर की खुशियाँ? क्या वाकई 2 बच्चों की माँ बच्चों को मैके छोड़कर चली गई किसी अनजान शख्स के साथ? किसने शौहर को फोन पर दी संगीन नताइज की धमकियाँ? कौन था वो अनजान शख्स? महके में मारिया और अदनान की आखिरी मुलाकात खून खराबे में कैसे बदल गई? मोबाइल के गलत इस्तेमाल और पसंद की शादी जैसे मौजूदात पर मुआशरे को झंझोड़ने वाला है आज का इंकशाफ। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके बागवानपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ की रिहायशी मारिया, उनके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें कुछ साल पहले अपनी पसंद की शादी की, लेकिन उस पसंद की शादी का नतीजा क्या निकला आज वो हम में नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनकी बहन कौसर, उनकी वालदा। पहले उनकी बहन से बात करते हैं और इस सारे मामले को थोड़ा सा पीछे से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम कौसर। वालेकुम सलाम। मारिया की उम्र क्या थी? 20 साल। उनकी शादी अदनान से हुई? हाँ जी। अदनान और मारिया जानते कैसे थे एक दूसरे को? बस पड़ोसी थे और इसी बात पे इन दोनों का थोड़ा सा आपस में दो फ्रेंडशिप चलती होती है, ऐसी सचिन चला था। वो पड़ोसी इसी घर में थे? नहीं, हम लोग कहीं और रहते थे, ये तो रेंट पे है घर। तो वो कौन सी? वो भी रेंट पे, वो इधर इस राजपरे की बैक साइड पे है। आपको आपकी बहन ने कब बताया और उनकी उम्र उस वक्त क्या थी जब उनको मोहब्बत हुई? 15 साल। पढ़ती थी वो? हाँ जी बिल्कुल, 7th क्लास में थी। 7th क्लास में पढ़ती थी। और जो अदनान है वो किस क्लास में था? अदनान तब स्टडी नहीं करता था और उसकी उम्र कोई तकरीबन 20
18 साल दे 18-19 साल। कम उम्री के इस इश्क का अंजाम क्या होगा? मारिया और अदनान दोनों इस बात से बेखबर इस रास्ते पर चलते गए। इस वक्त मेरे साथ मरकजी मुलजिम अदनान मौजूद है, बात करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 25 साल। मुझे शुरू से बताओ, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी मारिया से? जब मैं स्कूल यूज करता था, पढ़ाई करता था, तब हुई थी बात। कैसे? वो भी पढ़ने जाती थी तो अचानक ही ऐसे ही मुलाकात हो। वो भी पढ़ने जाती थी लेकिन वो तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती होगी। तो वो गर्ल्स में जाती थी, मैं तो पहली दफ़ा मुलाकात कैसे हुई? वो अकेडमी के दौर में। अकेडमी में होने वाली ये मुलाकातों के तवील सिलसिले में बदल गई। पहली दफ़ा बात तुमने की उसने की? उसने की है, फिर ऐसे मैंने भी की, दोस्ती होगी। आस्ता आस्ता ऐसे ही बातें होती रही, फिर मोबाइल पे बातें होती रही, फिर आस्ता आस्ता फिर मोहब्बत हो गई। मोहब्बत की ये कहानी एक खौफनाक खूनी रूप भी धार सकती है। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी न था। बंद कमरे में जो कयामत टूटी उसने इस खानदान को जीते जी मार दिया। कौशल मुझे बताइए कि वकूए के रोज आप किस जगह पर थीं जब 4 महीने बाद मारिया इस घर में एंटर होती है? मैं जिस दिन वो एंटर हुई है ना, मैं उसके रूम में बैठी हुई थी। ठीक है। हाँ जी, ये हमारा सर रूम है, इसमें बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर वो जब आई है तो मैंने उसको सोफे पे बैठा दिया अंदर। इस कमरे में आपने मारिया को लाकर बिठाया। मारिया कहाँ पर आके बैठी? मारिया सोफे पे बैठी थी यहाँ पे आकर, इसी जगह पर। इस जगह पर मारिया आकर बैठ गई। इस कमरे में कितने वहशियाना अंदाज में मारिया का गला काटा गया। मारिया की सिर्फ एक पुकार बहन के कानों से टकराई, लेकिन उसके बाद कैसे जुबान खामोश हो गई। बहन कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर कैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया। ये सब इंकशाफात दिल दहला देने वाले हैं। क्या वाकई मारिया की जिंदगी में अदनान के अलावा कोई और भी था? 5 बरस बाद जिस पर जान लेने का इल्जाम लगा है, ये शख्स वही है जो 5 बरस पहले जान देने की बातें करता था। फिर आपकी बहन ने आपको कब बताया कि वो अदनान को पसंद करने लगी है? 3-4 माह बाद। तो उन्होंने जिक्र क्या किया आपसे? उन्होंने बोला कि मैं उससे शादी करना चाह रही हूँ। 15 साल की थी? हाँ जी। तो अम्मी ने ये बोला ना कि अभी तुम्हारी एज बहुत छोटी है, कम से कम अपनी स्टडी कम्प्लीट कर लो, तो उसके बाद फिर देखते हैं। अगर यही बोलोगे तो यही देख लेंगे, लेकिन अभी जरा सब्र कर जाए। मारिया अदनान से शादी पर बाज़िद थी, ताहम मारिया के वालिदैन जहां एक तरफ उसकी कम उम्री की वजह से राजी न थे, वहीं दूसरी वजह उसका रिश्ता मामू के बेटे के साथ करने की ख्वाहिश थी। आप लोग नाराज थे या मारिया नाराज थे? नाराज ये और ऐसी उसका बाप कह रहा था इसके मामू को रिश्ता दे दें। ठीक है। वो कह रही थी मामू के बेटे साथ मैंने नहीं करवाना। बेटी की जिद पर आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पड़े, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ एक खानदान की रजामंदी तक महदूद ना था। और आप इस पे किसी हद तक अग्री भी थी कि अगर वो रिश्ता लेके आते हैं तो आप कर देंगे? हाँ जी, लेकिन वहाँ से रिश्ता नहीं आया। अदनान के घर से रिश्ता नहीं आया, मौकफ है मारिया की फैमिली का, लेकिन अदनान का मौकफ यकसर मुख्तलिफ है। कोर्ट नहीं से पहले तुमने अपने घर में बात की? नहीं, मैंने इसके घर में भी की, इसकी अम्मी अब्बू को भी कहा गया। तो कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ। हाँ, भेजे भी है मगर नहीं माने। तुमने अपने पेरेंट्स भेजे? हाँ। तो वो क्यों नहीं माने? बस नहीं माने, वो कहते हमने नहीं करने। अल्लाह ही जाने कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन ये सच्चाई अपनी जगह मौजूद है कि जब किसी सूरत शादी होती दिखाई न दी तो अदनान और मारिया ने अपनी मर्जी का फैसला कर लिया। तो ये एक दिन घर से गई है स्कूल के लिए, लेकिन इन्होंने दोनों ने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के लिए तो डेफिनेटली आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है। हाँ जी। नहीं, तब इन्होंने अल्लाह जाने क्या किया, अदनान का तो आईडी कार्ड था लेकिन इसका नहीं था, तो यही जानते इन्होंने क्या किया ला के उसके बाद इन्होंने निकाह नामा जो था ना वो इधर भगवानपुरा थाना में दे दिया था। कैसे हुआ ये निकाह, कैसे हुई ये शादी, यही सवाल जब हमने मुलजिम अदनान से किया तो जवाब कुछ यूँ मिला। कहाँ जाके शादी की? कोर्ट मैरिज पे शादी। कोर्ट मैरिज में तो शादी कार्ड चाहिए होता, उसके लिए तो शादी कार्ड ही नहीं था। मेरा तो था ना। तुम्हारा था लेकिन बच्ची का तो नहीं था ना। वो उस दौरान था, पता नहीं बस कर ली शादी। कैसे गए? मतलब मुझे तो 18-19 साल की उम्र में नहीं पता था कोर्ट मैरिज कैसे करते, तो मैं इस सारी बातों को कैसे मालूम था। अब ये भी कह दो कि उसको पता था? नहीं नहीं, वो वकील से बात की थी, ऐसे ही हमने शादी कर ली।
शादी के मौके पर ली गई मारिया की ये तस्वीर एक यादगार तस्वीर है, लेकिन वक्त के खेल निराले हैं। गला कटी ये लाश, फर्श पर बिखरा ये खून किसी और का नहीं, बदनसीब मारिया का ही है। किस जुर्म की सजा मिली मारिया को? क्या पसंद की शादी मारिया का जुर्म बन गया? आइए एक एक करके हर राज से पर्दा उठाते हैं। और आप लोगों ने कितने अर्से तक बातचीत बंद रखी? डेढ़ साल नहीं, उसके साथ बात डेढ़ साल तक बात ही नहीं की आपने अपनी बेटी से? आपको सिर्फ ये था कि उसने शादी कर ली, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन आपको ये पता था खैर खैरियत से? मुझे भी नहीं पता था, भी कैसी नहीं पता था, मैं ऐसे भी नहीं कभी पूछा कि वो ठीक है नहीं, दुखी है सुखी है। जब मैं क्या सोचती सी, जब उन्हें मेरी नहीं इज्जत रखी तो मैं भी उसको नहीं मिलना, मेरे वास्ते ख़त्म हो चुकी है। मारिया और अदनान ने एक नए रिश्ते का आगाज किया था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और फिर डेढ़ बरस के बाद एक ऐसी खुशी आई जिसने घर की रौनकें दोबारा कर दी। उसके बाद इसका हुआ बेटा, तो वो भी तकरीबन कुछ 5-6 माह का हो गया था। तो वो फिर हमारे रिलेटिव्स थे, अम्मी के जान पहचान वाले थे, उन्होंने सुलह करवाई के बाद जो हो गया खुदा ना बने माफ़ कर दें, माफ़ी बेहतर हल है। तो कोई बात नहीं, बेटी से गलतियाँ हो जाती होती हैं, आप इस चीज़ को रद्द कर दें। अम्मी उनकी बात को ज़ाया नहीं कर पाई, अम्मी ने बोला ठीक है आप ले आए, मैं कर देती हूँ। यूँ माफ़ी मिल गई मारिया को, एक बार फिर मारिया अपने माँ बाप के घर आ जा सकती थी। बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन सच्ची बात यह है कि सब ठीक नहीं था, बल्कि अदनान तो ये इल्ज़ाम लगाता है कि मामला ख़राब ही उसी वक्त हुआ जब मारिया ने सुलह की अपने वालिदैन के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक, मसले मसाइल कब शुरू हुए? फिर बच्चा हुआ तुम्हारा पहला, बच्चा हुआ माशाल्लाह 3 साल, सलान हो गया, सलान के बाद ईमान हुई, ईमान हुई, फिर तुम कुछ घर में मसले मसाए 3 साल तक वो घर में, हम जब तक हमने सुलह नहीं ना की उसके वालदैन से कुछ भी नहीं हुआ। हर वक्त, हर अच्छा वक्त भी निकाला है, बुरा भी निकाला है, मगर जब इसके साथ इसके घर वालों से सुलह हुई है, फिर अचानक से छोटी छोटी बातों से झगड़ा। तो क्या मारिया की फैमिली का हाथ था इन झगड़ों के पीछे, या फिर अदनान अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम मारिया और उसके ख़ानदान पर थोप रहा है? डेढ़ साल बाद अपनी बहन से मिली, क्या गिले शिकवे हुए, क्या बात हुई, क्या बताया उसको आपको मारिया ने? उस वक्त तो काफ़ी बीमार हो गई थी, उसे हेपेटाइटिस सी हो गया था, तो वो सेकेंड स्टेज थी उसकी। अदनान की तरफ से तो बताती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर वालों की तरफ से बताती थी यही कि वो मुझे ताने देते हैं। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है, बेटी होने के बाद उसने मुझे बताया था कि मेरी मुझे अदनान ने मारा है। अदनान ने मारा है? मैं रोज़ इस बात पर रही थी कि मैंने इधर आना था आपकी तरफ, तो इसने बोला है कि नहीं जाना, तो खाना की वजह से भी इसने मुझे मारना शुरू किया। ये छोटी छोटी बातों पर अब यही बताती थी कि वो मुझे मारता है। ये मारपीट अचानक कैसे शुरू हुई? मारिया अब 2 बच्चों की माँ थी, ये हैं वो दोनों मासूम, अरसलान और ईमान। कौसर, आपको लगता था कि मारिया ने क्योंकि खुद पसंद की शादी की थी इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर करने में घबराती थी? अक्सर ऐसा होता था, पहले ही टेंशन दी है मैंने घर वालों को, और अगर मैं वहाँ पर नहीं सुखी हूँ तो मैं ये भी टेंशन लूँ। अक्सर ऑब्वियसली पहले ससुराल जाने पड़ते थे, फिर आप लोग ताने मार सकते थे कि भाई हम तो तुम्हारी मामू की शादी करना चाह रहे थे, तुमने नहीं की, तो इस वजह से ही हो रहा है। अक्सर उसने 2 बार, एक बार बात जितलाई भी थी ना कि मैंने पूछा था, बैठे थे हम लोग, तो कहती चुप बैठी थी, मैंने कहा खैरियत है? उसकी आँख में ना नील पड़ा हुआ था यहाँ पे, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहती वो कुछ नहीं, उसके बेटे का नाम अरसलान है, तो कहती अरसलान ने मेरे ना गाड़ी मार दी। मैंने कहा गाड़ी से इतना तो निशान नहीं पड़ता, तो हाँ नील था, तो मैंने कहा आँख पे लगा दी, तो कहती नहीं नहीं बस नील पड़ा वैसे ही, उसने गाड़ी लगा दी, इसने आने नहीं दी इस बात को। फिर कुछ दिन बाद ना मुझे कहती आप ही वो ना अदनान ने मारा, मैं क्या मैं मामा ने की दसना है, तो मामा ने भी यही कहना तू अपनी मर्जियाँ की हैं तो फिर भुगत असी की कर सकते हैं। तो मैं ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी पर्सन ने की। नॉर्मली हमारे यहाँ अगर पसंद की शादी ना भी हो, अगर अरेंज मैरिज भी हो, तो लड़कियाँ तशद्दुद इसलिए बर्दाश्त करती हैं कि हम अपने घर वालों को क्यों बताएं, उन्हें लगता है कि वो कोई लायबिलिटी थी घर वालों पे, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, कोई बोझ थी, उन्होंने शादी करके बोझ उतार दिया है, यानी बचपन से लेकर जवानी तक वो अपने आप को बोझ इधर समझ रही होती हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर रही होती हैं, और जब वो दूसरे घर जाती हैं वहाँ पर भी अपने आप को बोझ ही समझ रही होती हैं कि उधर जो भी जुल्म हो अब हम घर वालों क्यों बताएं, घर वालों ने हमें पाल पोस कितना बड़ा किया है, अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने घर वालों को खुश रखना है, चाहे हम हमारे साथ जो मर्जी होता रहे, चाहे हमें नील पड़े हुए हो, हमें तशद्दुद हो रहा हो, हमें किसी भी किस्म के टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा हो, लड़कियां ये करके बात छुपा लेंगी। झगड़े की वजह क्या बनती थी?
झगड़े की वजह बस छोटी छोटी बातें, यूं ही अगर काम पे आज लेट हो गए हैं आप आए नहीं उस बात पर उसने गुस्सा करना शुरू कर देना, इस बात से उनके झगड़े स्टार्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बच्चों की चीज़ों के लिए झगड़े स्टार्ट हो जाते थे उनके, बस इतनी इतनी हल्की फुल्की बातों से झगड़े होते थे। नॉर्मली किसी भी घर में मसाइल होते हैं वहाँ पर भी मस्ते थे, लेकिन वो सीरियस बातें थी। हाँ जी, लेकिन वो हाथ उठाता था ऐसे ही। ऐसा कैसे हो गया कि अदनान ने जिसके साथ लव मैरिज की उसी पर हाथ उठाने लगा? क्या इस कहानी के पीछे कोई और कहानी भी छुपी थी? उसके बाद ये हमारे घर रहने लगे थे, तकरीबन 3-4 माह रुके हैं हमारे घर में, रुके तो, क्योंकि वहाँ जी वो इनके भाइयों के आपस में झगड़ा हो गया था। हाँ। तो उसकी अम्मी ने बोला तुम लोग जरा साइड पे हो जाओ। तो वो 4 महीने कैसे गुजरे थे इनके? हमारे घर में तो बिल्कुल ठीक थे, ये भी काम करती थी, बल्कि इनका तो हमने कभी झगड़ा देखा भी नहीं था। एक दो बार देखा था कि अदनान ने ना उसको मारा है, दो बार। मियाँ बीवी के बीच ये झगड़ा किस बात पर हुआ? मैके में ऐसा क्या हुआ कि मोहब्बत करने वाला शौहर तशद्दुद पर उतर आया? तुमने पहले तो हाथ कब उठाया था उसको? मैंने हाथ तब भी उठाया था जब उसने ये मोबाइल पकड़ा, मैंने उसे किसी दूसरे के साथ बातें कर ली। वो कौन था? वो उसने है नाम का लड़का था, मगर मैंने देखा नहीं है उसे। तुमने आज तक नहीं देखा? आज तक नहीं देखा। लगता है कि उससे बातें करती? हाँ, उससे बातें करती। कौन था ये हसनैन जिससे मारिया बातें करती थी? क्या रिश्ता था मारिया का हसनैन के साथ? ये राज भी खोलेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मोहब्बत करने वाले शौहर ने 2 बच्चों की माँ को ज़िबाह कर दिया। हर तरफ यहाँ पे खून ही खून था और उसका जो गला है वो कटा हुआ था। कैसे एक रॉन्ग कॉल ने हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। अब मैं वहाँ जेल में मरूंगा, तू कब्र में। घर वालों से क्यों नहीं मिलने दिया लड़की को? इसको शुभा था कि मेरी बीवी जो है ना ये घर वालों के फ़ोन से रब्ता कर लेती है, इसलिए उसने कहा कि ये आपने आइंदा मेरे साथ बात करनी है, इसको फ़ोन ही देना। अच्छा, ये सबने अपनी बीवी को कैद में रखा हुआ था। जी हाँ, अदनान को शक पड़ गया था कि हो ना हो उसकी बीवी मैके जाकर उसकी इज्जत के साथ खेल रही है। अच्छा, इसी दौरान तुमने मारना पीटना शुरू कर दिया? हाँ, उसको मैंने मारा उसकी अम्मा के सामने, उसके घर उसकी अम्मा की तरफ से मैंने मोबाइल पकड़ा था। कौशल जब ऊपर आई तुमने लड़ते हुए उसने देखा, कौशल ने रोका कि इसको क्यों मार रहे हो? हाँ, मैंने तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी ने बोला कि हमारे पीछे मत पड़ो, हमारा आपस का मामला। यही हुआ था? यही हुआ था। फिर उसने जब रात को अपनी माँ को बताई बात कौशल ने कि ऐसे ऐसे ऊपर लड़ रहे थे, तुम्हारी सास ने बुलाया तुम लोगों को, क्या हुआ है? और तुम दोनों के सामने बोला कोई ऐसी बात नहीं कुछ? नहीं नहीं, मैंने उसकी वालदा को बताया कि ये बात ये देखे, ये मोबाइल किससे बातें करनी है, सब इश्क ने ये मुझे कर रही थी, ये अब नया ड्रामे लगा रही। इसी बात ने शौहर को गजबनाक कर दिया और उसने मारिया को उसके घर आने जाने से रोक दिया। और फिर 4 महीने बाद फैमिली पर हुआ एक हैरान कुन इंकशाफ। फिर उसने हमें आके बोला है कि ये घर से चली गई है। कब बोला ये? 3 माह पहले की बात है। तो इसने बोला कि वो घर से चली गई, जा चुकी है। अम्मी ने बोला किसके साथ गई है, कहाँ गई है? तो इसने बोला है कि मैंने खुद नहीं बताया कि कितना गई है और से कुछ नहीं पता कहाँ। हाँ जी, और उसका किसी के साथ, उसने ये बोला ना कि उसका किसी के साथ चक्कर था। तो हम अब इस बात को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि यहाँ तक जाएगी, ना हम समझ ही पाए थे इस मामले को। मारिया किसके साथ गई थी, उसका किसी और के साथ ताल्लुक था, ये बात वाकई समझ से बालातर थी, क्योंकि 5 बरस पहले कोर्ट मैरिज की थी अदनान के साथ। तो फिर मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा कि उसका दिल किसी और के लिए धड़क उठा, एक हसनैन नामी शख्स के लिए? तुम्हारी अपनी हसनैन से कभी बात हुई? हाँ, मेरी हुई, मगर वो बाज आ गया था। नहीं, ये कब की बात तुम्हारी? जब मैंने मोबाइल पकड़ा ना उससे बात की, वो कहता नहीं आइंदा नहीं करूँगा। मैंने पूछा कौन हो तुम, मैं कहा कोई अपने हो, मुझे कहता मैं नहीं फैसलाबाद रहता हूँ, कभी कहता था लोन में रहता हूँ। ये उसी दिन की बात है जिस दिन तुमने अपनी सास के घर में पकड़ा था? सास के घर से पकड़ा। बकौल मुलजिम कि ऐसा आखिरी बार नहीं हुआ था, उसने इसके बाद भी उस लड़के से बातचीत जारी रखी, और ऐसा भी नहीं कि वो उसके बाद अपनी फैमिली से मिलने नहीं गई, बल्कि ये दोनों सिलसिले जारी रहे। ऐसे में उसका जब्त भी जवाब दे गया। जब तुमने अस्पताल में मोबाइल पकड़ा फिर क्या हुआ? फिर मैंने इसे मोबाइल पकड़ा, मैंने उस उधर इसकी मामा का इसके साथ ले जाऊँ, नहीं तो मैंने ना इसकी ये अपनी घड़ी ले जाऊँ, मैं सुबह अपनी माँ बाप को लाऊंगा, अगर ये चाहती है तलाक लेना चाहती है, मुझे उसने उस दिन ही कह दिया कि मुझे तलाक दे दो।
अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में। ठीक। मैंने कहा चल मैं अपने माँ बाप को लाता हूँ, तू जा अपनी मामों के साथ। तो गई है रात को, उधर से चले गई है। माँ के घर से गई है? माँ के घर से गई है, बच्चों को भी उधर छोड़ गई है। शौहर कह रहा है कि वो मारिया को मैके छोड़ाया, जबकि मैके वालों ने इल्जाम शौहर पर धरा है। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि वो तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर से गायब हुई है? नहीं, इधर जब वो गई है इधर से, पाँच दिन मैंने उसका बहुत ही मिन्त की है। फोन ऑन था उसका? फोन उसका ऑन था, मुझे फिर वो लड़का धमकी देने लग पड़ा, जा जो 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 करना कर ले। इसने भी, मैंने इसको भी कहा कि मारिया देख मैं जो तुझे खुद कह रहा हूँ, बैठ के तलाक ले ले लेनी है तो मुझे जलील ना कर, कहती मैंने तुझे जलील करना। खुदा ही जाने सच्चाई क्या है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि मारिया गायब थी। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी कि अचानक मारिया की माँ को एक कॉल मौसूल हुई। इसने बोला है कि अम्मी अदनान में बहुत मारदा सी, तो मैं आई हुई हूँ इस टाइम। मामा कहती तू कितने आएगी, तू मैं दस, मैं उत्थे आ जानी हूँ। नहीं माँ जी, तुसी ना आना, मैं जल्दी तड़ को लावांगी। और 15 दिन तक उसको नहीं मालूम था। हाँ जी, अदनान को कि उसकी बीवी का? अदनान को सब पता था इस बारे में, क्योंकि जब मियाँ बीवी के आपस में झगड़े चल रहे हैं तो उन्हें तो किसी ना किसी बात का पता था। हमें कुछ मालूम नहीं था इस बारे में कि क्या हुआ है क्या नहीं। कौन था ये शख्स मारिया जिसके साथ खुश थी? उसने ये बताया मारिया ने कि वो गई किसके साथ है? नहीं, इसने ये नहीं बताया। आपने पूछा था? मैंने पूछा, मैं कहूँ उस बंदे का नाम बताओ, मैंने बता 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 आप किधर हो। ये मैं नहीं बताया कि मैं किसे का पर हूं। तो ये नहीं उसने बताया कि मैं किधर हूँ, मैं लाहौर चूँ, मैं लाहौरों बाहर हूँ, ये उन्हें कुछ नहीं बताया। मारिया इस रोज कहाँ थी, किसके साथ रह रही थी? बकौल माँ के उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन अदनान कहता है कि सबको सब खबर थी। 17 अगस्त को मैंने इधर दरख्वास्त दी है। अच्छा, दरख्वास्त में इसकी माँ साथ आई है, ये मेरे कुछ पैसे भी जो भी था ना वो ले लूँ, अगर मैंने कहा ऐसे ऐसे ये गई है। तो तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने तलाक, मैंने उसे ये कहा था मैं कैसे तुम गई हो ना, फिर वैसे ही तलाक ले ले। वो मुझे कहती थी खुद दे, फिर वो लड़का कहता था मैं तुझसे 50,000 रुपया वो भी लूँगा, हक मेहर भी लूँगा, ऐसे करूँगा, तुझसे बच्चे भी ले लूँगा। कौन था ये लड़का जो अदनान की बीवी का सहारा बनकर अदनान को दे रहा था धमकियाँ? वाकई कोई हसनैन है या ये सारी से दिमागी कहानी घड़ी हुई? नहीं नहीं, ये दुरुस्त है, हमने CDR ली हुई है, उसका एड्रेस निकाल लेंगे, वो अफजाबाद का रहने वाला है, उसको इंशाल्लाह शाम में तफ्तीश करेंगे। शाम में तफ्तीश आप करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जब आज से 3.5 महीने पहले घर से गायब होती है हमारी, अपने हस्बैंड के घर से, तो कहाँ जाती है? ये उसी के पास रही है। तो उसने इसको क्या बोला था? उसने और मारिया का आपस में प्लान था कि हम शादी कर लेते हैं, इससे डिवोर्स ले लेते हैं। मतलब हसनैन वजूद रखता था, लेकिन हसनैन के साथ मारिया का ताल्लुक कैसे बना, कहाँ पर हुई थी ये मुलाकात? ये हसनैन कहाँ से बीच में आ गया? ये रॉन्ग कॉल, यानी रॉन्ग नंबर मिला, किसी से रैंडमली बात शुरू हुई? हैरत है, रॉन्ग कॉल पर होने वाली सलाम दुआ इस कदर गहरी दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदली कि मारिया पहली मोहब्बत को छोड़कर अब उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी। मैं आके ये काफी टॉर्चर कर रहे थे कि आपकी बेटी ऐसी है, फलानी है, ये वो, फिर किसी और के साथ चली गई, आपको पता है इस बारे में क्या क्या मामला होते हैं। अम्मी ने को काफ़ी टॉर्चर किया कि अगर आपको कॉल आई है तो आप उसी नंबर पे कॉल करके तो उसे बोलो कि इधर आए। अम्मी ने उस नंबर पे कॉल की तो वो नंबर ऑन था। अम्मी ने बोला है कि बेटा ये मुझे इस नंबर से कॉल आई थी, कुछ माह पहले की बात है, मारिया ने कॉल की थी, तो मेरी उससे ज़रा बात करवाओ। कहता ठीक है, रुके आप, मैं बात करवाता हूँ। अच्छा, तो इससे अम्मी को ये हुआ कि वाकई वो किसी के पास है, तो बात हुई है उसके साथ। अम्मी ने बोला ऐसे ऐसे वो मुझे जलील करके गया है, तो बेटा क्या करना है, अगर जो भी करना है मेरी तरफ से बाहर से फारिग हो जाओ, मेरी तरफ से जो मर्जी करो, लेकिन उसे बोलो अब आज के बाद हमारे घर ना आए, हमने भी बोल दिया तो तुम भी बोलो। मारिया के पास इस मुश्किल से निकलने का कोई प्लान ना था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मारिया जिसके सहारे ये सब कर रही थी वही कोई चाल चल रहा था, कोई ऐसी चाल जो इस खानदान को तबाह बर्बाद करने वाली थी, जो अदनान को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली थी। एक महीना मैंने रात बच्चे तुम्हारे पास, बच्चे मेरे पास है। ठीक है, फिर मैंने अपने भाई को कहा यार उसकी अम्मा से बात करो, जो भी है, नहीं वो आती, पता नहीं कहाँ है, वो भी नहीं थे मानते, पता नहीं कहाँ गई। अदनान और मारिया के बीच क्या कोई राबता था या नहीं, मारिया के खानदान वाले इस बात से बेखबरी का इजहार करते हैं। बकौल उनके फिर एक दिन अचानक मारिया घर आ गई। अभी ये बैठी है तो मैंने अब्बू ने पूछा कि जरा अब्बू को, मैंने फौरन मैं कहा अब्बू तो स्टेश ना आना, आराम ना बैठो। इन्होंने राम ने पूछा कि मसला की है, अभी हमने ये इतना पूछा ये कि क्या हुआ, क्या है मारिया, वजह बताओ। बस मैंने बहुत मारदा सी,
मैंने कहा मारता था तो हमसे तो बात करती है एक बार, मैंने आपसे एक बार बात की तो थी, मैंने कहा की थी लेकिन तुमने खुद ही कहा था आप चुप कर जाओ, इस मामले में ना बोलें। तो अच्छा खैर वो मैंने अपनी मर्जियाँ की थी ना, अभी इतनी बात कर ही रही है तो पीछे से दनान भाई आ। अदनान अचानक से आया या फिर उसे बुलाया गया था? क्या मियां बीवी की यह मुलाकात किसी प्लान के तहत हो रही थी? सबको कमरे में आमने सामने बिठाकर क्या बात की गई? और फिर बंद कमरे में खेला गया कौन सा दर्दनाक खेल कि पूरा कमरा खून से भर गया? ये सब दिखाएंगे आपको लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लड़की और लड़का मोहब्बत में गिरफ्तार। मामा ने भी यही कहना, तू अपनी मर्जियां की थी तो फिर भुगत। लव मैरिज के 5 बरस बाद क्या बीवी को किसी और से हो गया प्यार? कहती मैंने तुझे जलील करना। क्या वाकई मोहब्बत करने वाले शौहर ने 2 बच्चों की माँ को ज़िबाह कर दिया? हर तरफ यहाँ पे खून ही खून था और उसका जो गला है वो कटा हुआ था। कैसे एक रॉन्ग कॉल ने हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया? अब मैं वहां जेल में मरूंगा, तू कब्र में। आप किधर बैठी उनके पास? मैं इधर उसके साथ उस जगह पे बैठी थी उधर। तो फिर आप दोनों की आपस में बातचीत हुई? मैंने तो अभी पूछा, अबू उस जगह पे बैठे हुए थे। अच्छा, आपके वाली इधर बैठे हुए थे? हाँ, अबू उधर बैठे हुए थे। मैंने उससे पूछा है कि मुझे बताओ मसला क्या हुआ था। अबू ने भी पूछा है कि मारिया मुझे मेन वजह बता, वजह क्या थी। तो इसने बोला है कि अबू जी मैंने बहुत मारदा सी, मैंने स्टार्टिंग से जानदा सारिया ने मेरे तो शब्द शुरू कर दिता सी, मैंने मारदा लड़दा ताने देंदा सी बहुत ज्यादा इस चीज़ दे। ताने किस बात के देता था? कि शादी यानी कि भाग के की हुई है, तुम कौन सा नेकोकार हो ये वो। नहीं तो शादी भाग के की है तो भाग के तो शादी अदनान ने खुद भी तो की है। लेकिन उसने ये बात बताई, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें ताना लड़की को ही क्यों दिया जाता है। लड़का खुद भगा के लेके जाता है, लड़का खुद मोहब्बत के इनिशिएटिव लेता है, फिर आगे तक बात जाती है, फिर सारा अरेंजमेंट निकाह का वो करता है और जब घर ले जाता है 3-4 साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं, वही बीवी जो बहुत जिससे मोहब्बत थी, जिससे जिसके लिए पूरे ज़माने से टकराने का वो तैयार था, वही जहर लगने लग जाती है। छोटी छोटी बातों में उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं और फिर सबसे बुरी बात है कि उसी बात पर जिसमें वो खुद भी हिस्सेदार हैं, जिस सारे काम में उसमें उसी को कसूरवार ठहराना शुरू करते हैं कि तुम्हारा करेक्टर ठीक नहीं था, तुम अच्छी लड़की नहीं थी इसलिए तुम भागी हो, इसलिए तुम बुरी हो, ये वो करता था उसके साथ। हाँ जी, अभी इतनी बात उसे बताया आपको? हाँ जी, अभी इतनी बात हो ही रही थी कि पीछे से अदनान आ गए। इधर अदनान इंटर होता है। हाँ जी, अदनान आए हैं, आके तो वही सोफे पे बैठ गया है, यहीं पे बिल्कुल सही यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी वो इधर बैठी हुई है, इधर बैठा हुआ है, अब उधर ही है सामने बैठे हुए। इसने इतनी बात की है कि तुम मुझे मसला बताओ मसला क्या था, लेकिन अबू ने इसको टोक दिया कि तुम चुप करो, अभी तुम्हारी अम्मी आती हैं फिर बैठ के बात करना, जो सारी बात होगी तुम्हारे घर से भी बुलवाते हैं और इधर से भी बुलवा के बैठा के सारी तफसीलात जानते हैं कि आखिर मसला क्या हुआ था। अब इतनी बात हुई है तो अब उठ के वाशरूम में चले गए हैं। तो मैंने नहीं नहीं वाशरूम बाहर चले गए, बाहर ही बैठी हुई थी। मैं उठ के ना छोटे भाई को भेजा, मैंने जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया तो वो तब तक लेके आ गया था अंदर। तो मैं इधर ना किचन में गई हूँ कोल्ड ड्रिंक डालने के लिए। मारिया तलाक लेने आई थी लेकिन बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ के बाद तलाक से कत्ल तक जा पहुंची? तुमने उसे बुलाया कि अपनी माँ के घर आओ? हाँ, मैंने कहा अपनी माँ के घर आ, मेरी उससे बात नहीं थी होती, मेरी उसने ऐसे बात होती। वो इसको लेके आया? वो इसको लेकर आया। वो कहाँ था? वो इसके घर में पता नहीं था या नहीं था, इसको घर पे तो नहीं था, छोड़ कर चला गया। मैंने उसको मुझे उसने गाल की आ जा यार इसकी मामा की तरफ, मैंने चुप करके फिर मैंने जाते हुए, मुझे भी खतरा था क्योंकि ये धमकियाँ लगाते थे। खतरा तुम्हें महसूस हो तो अपने साथ खंजर लेके गए? हाँ, मैंने उतर जाते हुए बाजार से खंजर खरीद लिया। मारिया की बहन किचन में थी और अब कमरे में अदनान और मारिया अकेले थे। इस दौरान उनके बीच क्या हुई बातचीत? फिर ये हुआ, मैंने कहा वो उस नैन का आया जिसके तू दम में आई है, बदतमीजी से बोले तू मुझे तलाक दे, वो कहाँ मर्दी रहे तू मुझे तलाक दे बस। तुम्हें सबसे बड़ा मसला जो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, जो अगर मैं मुझे ये करूँ कि तुम्हें अरसलान और ईमान चाहिए थे जी। तुम चाहते थे कि तलाक की वो पहली वो बात करे तलाक की ताकि बच्चों को कल वो तुमसे ना ले सके, ना ले सके। और मुझे ही पता है कि अरसलान और ईमान अपने माँ बाप से कितने अटैच थे। वो एक मिनट भी मुझे कौशल ने बताया कि अरसलान जो है बाप के बगैर नहीं रह सकता था। अब वो कैसे रह रहा होगा अब मुझे नहीं पता इसका बाप कैसे रह लेगा, क्योंकि नहीं एक सेकेंड अगर ये सारी बात ये थी तो फिर
और अब तुम उस मामले तक पहुंच भी गए थे कि चलो ठीक है इस और लड़की ने मेरा नहीं बसना, सारा मामला ख़त्म होने लगा, तुम तीन हरफ लिख के उसे ख़त्म कर सकते थे सब कुछ। नहीं, मैंने उसको जज्बात में आ गया, मैंने कहा तुमको आप पड़ गई है आदत होती है कि तुम हट जाती, तुमको पड़ गई है फितरत भागने की, तुम मेरे साथ भागी है अब इसके साथ भागी, अब तुम्हारा कतारा ठिकाना ख़त्म। के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई भयानक था। बाहर खड़ी बहन ने चीख की आवाज़ सुनी तो कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी चीखने की आवाज़ आई कि मामा पापा मुझे बचा लें। मुझे लगा है कि वो उसे मारने लगा है, जब तक मैंने ये दरवाज़ा बंद था। उसे दरवाज़ा लॉक कर दिया था? हाँ जी, दरवाज़ा बंद था ये। मैंने उसको काफ़ी जो है ना वो दरवाज़ा नॉक किया है कि दरवाज़ा खोलो नान भाई, मारिया हुआ क्या है। इसके बाद उसकी सिर्फ एक चीख निकली है। हम दोनों बहन भाइयों ने ना धिक्का लगाया इसको बाहर से, धिक्का लगाने की देर ही अंदर से उसने जब लॉक खोला है ना तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उसके पाँव पे, हम सीधा उसके पाँव पे गिरी मैं। जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर के मंजर ने इन बहन भाइयों को जीते जी मार दिया। इस जगह पे उसके पाँव थे, ये जगह। आप कह रही हैं कि मारिया सोफे पे नहीं थी, नीचे गिरी हुई थी? नीचे गिरी हुई थी, इस साइड पे गिरी हुई थी ऐसे। यूं करके? यूं गिरी हुई थी। और वो उसकी कंडीशन क्या थी? तो जब मैं उसके पाँव पे गिरी हूँ ना तो वो उसका पाँव तड़प रहे थे, तब मैंने उसके अभी फेस को नहीं देखा, अभी कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसके पाँव को देखा है। तो एकदम से जैसे मैंने नज़र ऊपर उठाई ना, हर तरफ यहाँ पे खून ही खून था और उसका जो गला है वो कटा हुआ था। उसने गला काट दिया? उसकी सिर्फ उसकी दो जो थी ना वो सांसें जो थी वो चल रही थी। मैंने फटाफट जाकर उसको अपने जब हाथों में लिया है ना अभी, उसको आवाज़ दी कि मारिया उठो ज़रा। उसको जब मैंने ऊपर किया तो तब तक उसकी दो हिचकियाँ थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। वो दर्दनाक मंजर याद आते ही इस बहन की आंखें छलकने लगती हैं। तो मैंने फकर के ना फिर इशारा काट दी, मैं देख लेता हूँ वो जो हम वो भी है ना वो उसने सोफे पे बैठी थी, तुमने नीचे कैसी था? हाँ उसे नीचे पकड़ गई, दो मिनट में ही काम हुआ। तो उसको मैंने इशारा काट दी, मैं कहा ये ले अब मैं वहाँ जेल में मरूंगा, तू कब्र में मर। मारिया जब आखिरी सांसें ले रही थी तो बहन बाजार में क्या करने गई? बीवी को ज़िबाह करके शौहर का कौन सा मकसद पूरा हो गया? ये सब दिखाएंगे आपको लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लड़की और लड़का मोहब्बत में गिरफ्तार। मामा ने भी यही कहना, तू अपनी मर्जियां की थी तो फिर भुगत। लव मैरिज के 5 बरस बाद क्या बीवी को किसी और से हो गया प्यार? कहती मैंने तुझे जलील करना। क्या वाकई मोहब्बत करने वाले शौहर ने 2 बच्चों की माँ को ज़िबाह कर दिया? हर तरफ यहाँ पे खून ही खून था और उसका जो गला है वो कटा हुआ था। कैसे एक रॉन्ग कॉल ने हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया? अब मैं वहाँ जेल में मरूंगा, तू कब्र में। और सिर्फ एक ही बार उसके गले में हुआ था और कुछ भी नहीं था, कहीं निशान नहीं था, कहीं कोई थप्पड़ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आपकी बहन ने आपके बाजू में दम तोड़ दिया, उसी वक्त उनकी जान अल्लाह को प्यारी हो गई वो। उसी वक्त खत्म सब कुछ। और आप मतलब इतना भी मौका नहीं मिला कि आप एम्बुलेंस बुलवाती या? मैंने फिर भी बोला काफ़ी लोगों को जाके, एक नया मोहल्ला, सब लोग ये कहते पता नहीं ये कैसे लोग आए हैं, क्या है क्या नहीं, किसी ने भी हेल्प नहीं की। मैंने इतना बोला कि कोई आए मुझे कोई अपना फ़ोन नंबर दे दे कि इसको मेरे साथ डॉक्टर के पास कहीं हॉस्पिटल ले चलो, शायद ये बच जाए, शायद ये बच जाए कि उसने अभी 2 सांसें ली। मुमकिन था कि उसकी जान बचाई जा सकती, तभी तो मारिया की बहन दौड़कर सामने बाजार में पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालीमार टाउन के क्रोल बाजार में और ये जो गली आप देख रहे हैं इसमें जो सामने वाला दरवाजा है, अगर कैमरा दिखा सके सामने वाला दरवाजा, ये उनका घर है। और जब वहां पर मारिया को बहुत ही अजियतनाक तरीके से ज़िबा कर दिया गया तो उसके बाद मारिया की बहन जो कौसर थी वो इसी बाजार में आई। आप यहाँ पर लोगों का मजमा देख सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर हैं और वो तो शाम का वक्त था। वो यहाँ पर आई, चीखती चिल्लाती रहीं कि इस वक्त मेरी बहन को उसका जो शौहर है इस तरह से ज़िबा करके चला गया है, कोई इंसान अपना फ़ोन दे दे, कोई आके उसको डॉक्टर तक ले जाए, हो सकता है वो ज़िंदा हो। वो इस तरह से चिल्लाती रही लेकिन किसी ने इस बाज़ार में उसकी आवाज़ तक ना सुनी और वो इसी तरह चीखती चिल्लाती हुई वापस
अपने घर में चली गई और वो जब वहाँ जाके देखा तो उन्हें ये बात यकीनी तौर पे उन्हें समझ आ गई कि अब उनकी बहन जो है इस दुनिया में नहीं रही। अगर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिल जाती या कोई भी यहाँ से आकर इंसान एटलीस्ट ये कोशिश कर लेता कि उनकी बहन को यानी कौसे की बहन को मारिया को अस्पताल पहुँचाने की या 1122 पे कॉल करने की तो हो सकता था उनकी जान बच जाती। अपने इस वहशियाना इकदाम के बाद भाग गया ये जल्लाद, लेकिन खून बहाने वाले भला कहाँ छुप सकते हैं। रुकवा करने के बाद अपने एक दोस्त के पास चला गया था, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो है, हमने वहाँ से इसको अरेस्ट कर लिया। पकड़ा गया ये दरिंदा और फिर पुलिस तफ्तीश के बाद उसे करना पड़ा एतराफ। अरसलान और ईमान का क्या होगा? वो अल्लाह मालिक, ये होगा ना तो ये दुनिया को पता चलेगा ये इश्क किया मैंने, मगर वो गलत हरकत उसने की है। अगर वो भी होता लड़का साथ, उसकी भी ले लेनी थी या वो मेरी ले ले। अदनान का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मारिया का खानदान तो जीते जी मर चुका है। मारिया के घर में तो बस उसकी यादें बाकी हैं। आप क्या चाहती हैं, अदनान के साथ क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अगर वो किसी और का भी नाम ले रहा है ना, अगर तो फिर दोनों को सजा होनी चाहिए। अदनान ने सिर्फ बीवी का कत्ल नहीं किया बल्कि तीन खानदान बर्बाद करने के साथ साथ अपने बच्चों से उनकी माँ और उनका बाप भी छीन लिया। 20 साल की उम्र में मारी इस दुनिया से चली गई और 25 साल होगी उम्र इनकी। 24 साल अदनान की। 24 साल अदनान की उम्र है और सब कुछ खत्म हो गया, और वो दो बच्चे जो कि माँ बाप के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे, अब उनको अपने उस ददियाल में रहना पड़ेगा जहाँ पर हमेशा उनकी माँ को मुजरिम समझाया गया कि उनके बेटे को ख़राब करने में लड़की का हाथ है। अफसोसनाक बात है, फैमिलीज को इस हवाले से सोचना चाहिए, और स्पेशली जो हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं जो यंग एज में मोहब्बत इश्क में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, चीज़ों को सीरियस समझते हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी नहीं है। यह आपका बेशक बुनियादी हक है, लेकिन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना। जो हुआ रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं बहरहाल ये कम उम्री की मोहब्बतों का अंजाम आपको दिखाना चाहता था। इस तरह के मामलों में, इस तरह की सिचुएशंस में इस तरह के नतीजे निकलते हैं, तो बी केयरफुल। और मेरी यही दुआ है कि जो भी नौ उम्र लड़के लड़कियां देख रहे हैं, ठीक है मोहब्बत आपका राइट है, आप कर सकते हैं मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रखें कि जब किसी नई ज़िंदगी को दुनिया में ला रहे हों तो उसके बाद टेक्निकली आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, आप उसके लिए जी रहे होते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा मुकदम रखें, उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारी आने वाली नस्ल, अगर आप उसके साथ वो करेंगे जो इन्होंने अपने होने जो बच्चे थे उनके साथ किया, तो ना तो वो बच्चे कभी माफ़ करेंगे और ना ही अल्लाह ताला कभी माफ़ करेगा। इसी के साथ ही टीम इंकशाफ और मुकर्रम के लिए इनको दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ़।